खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से रैली निकाली गई। मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदा आबिद हुसैन से। जी आप भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला में, जहाँ पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जेरे एहतमाम ज़िले नायब अमीर सैयद आसफुल्ला शाह बुखारी, तहसील सदर प्राइवेट स्कूल लाइसेंस की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी के हवाले से मस्ताह मस्जिद जड़ावाला से शानदार रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें तहसील बार से उलमा मशाखा नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत जड़ावाला मौलाना असगर अली नूरी और अवामन नास की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शिरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और दुआए कलमात वाले कुतुब उठा रखे थे। इस मौके पर खताब करते हुए सईद आसफुल्ला शाह बुखारी का कहना था, हमारा बच्चा बच्चा पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़ा है, अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज की हिफाजत के लिए हम अपना बच्चा बच्चा कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुल्क पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई मिलाद चौक में पहुंचकर इख्तिताम पनरीज हुई। रैली पर जगह जगह फूलों की पत्तियां निशावर की गई, शुरका का फूलों के हार पहनाए गए। आबद हुसैन, फास्ट 92 न्यूज, जड़ावाला। जो है वो खुड़ियावाले और शाहकोट रोड से हमारे काफिले आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में यहाँ जमे गफीर होगा और इंशाल्लाह ताला जो है वो आज जड़ावाला की सरजमीन पर और इन सड़कों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होंगी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दीवाने आज ये नारा बुलंद करेंगे, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह।